एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा, काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। नौकरी छोड़कर अपना ऑप्टिकल स्टोर खोला। कस्टमर्स वहां आने लगे और उसका कारोबार अच्छा चलता गया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बिजनेस करना जॉब से कितना आसान है, इसमें कितना पैसा है। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ी महिला आई। उसने कहा कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता। व्यक्ति ने उस महिला की आंखों का टेस्ट स्टार्ट किया। वो जो कुछ भी उससे पूछ रहा था, महिला से कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था। फिर व्यक्ति ने कहा कि आप कल आना, मैं आपका कल इलाज पक्का कर दूंगा। अगले दिन व्यक्ति शहर जाकर नए लेंस खरीद कर लाया और फिर अगले दिन महिला आई और उस व्यक्ति ने उनका फिर से टेस्ट स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी महिला से कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। व्यक्ति ने नए लेंस लगाए थे तब भी नहीं। फिर व्यक्ति ने महिला को हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ करो, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। महिला बोली, कोई ना बेटा, दिल छोटा मत कर। इतने साल स्कूल में मास्टर मुझे पढ़ना ना सिखा पाया तो तेरा ये चश्मा एक दिन में क्या सिखा देगा। फिर व्यक्ति को समझ में आया कि बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं होता, कैसे कैसे लोग आते हैं।